पूरे देश में जहां शिवरात्रि की धूम है, वहीं इंदौर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 28 साल से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अजेबा कॉलोनी मूसाखेड़ी में श्री राम कथा सुनने के लिए काफी संख्या में महिलाएं यहां पहुंच रही हैं। नागेश्वर सेवा समिति द्वारा लगातार 28 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा पंडित नारायण शास्त्री जी के द्वारा सुंदर भजनों के साथ कथा सुनाई जा रही है। बता दें 16 फरवरी से 24 फरवरी तक रोजाना 1:30 बजे से 6 बजे तक यह कथा चल रही है। वहीं 25 तारीख को विशाल भंडारा कथा समापन के बाद में रखा गया है, जिसके आयोजक शिवाजी मंडल भाजपा अध्यक्ष उमेश मंगरेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। ये प्रोग्राम नागेश्वर सेवा समिति के तत्वावधान में होता है। 28वां वार्षिक महाउत्सव है और इस आयोजन की स्थापना जो शुरुआत की थी हमारे प्रभु जी गुरुदेव रामेश्वर दयाल प्रभु जी ने की थी। उन्होंने आज से 28 वर्ष पूर्व इस आयोजन की शुरुआत रखी थी। बहुत छोटे स्तर से इस आयोजन को चालू किया था उन्होंने, उसके बाद दिन पर दिन ये बढ़ता गया आयोजन और आज हम रामकथा का आयोजन ये हो रहा है। हर वर्ष कभी नर्मदा पुराण, कभी विष्णु पुराण, कभी भागवत गीता, हर वर्ष हम चेंज करते हैं और पिछले विगत 2 वर्षों से रामकथा का आयोजन ये हो रहा है। ये एक भव्य आयोजन होता है, मूसाखेड़ी का एक बड़ा आयोजन रहता है। मूसाखेड़ी की जनता इस आयोजन में भागीदार रहती है और 9 दिन पूरे कथा में रहती है, कथा सुनती है और 10वें दिन भव्य विशाल भंडारा होता है। नागेश्वर सेवा समिति का मंदिर बना है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना है, जिसमें भव्य आयोजन होता है भंडारे का।